We are going to start the new chapter, introduction of drying process. ठीक है, drying क्या होता है? सुखाना. इससे पहले अपन और drying किसमें पढ़े हैं? टैबलेट में. गुड, टैबलेट में अपन पढ़े हैं, स्टरलाइजेशन में भी पढ़े हैं. स्टरलाइजेशन में फ्लेम के ऊपर किसी भी चीज को स्टरलाइज करने के लिए गर्म करना एक प्रोसेस होती है. और टैबलेट में किस कंडीशन में अपन ड्राइंग पढ़े थे, कब पढ़े थे, ड्राइंग की क्रिया कब आती थी टैबलेट बनाने में? गुड, निवेदिका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, वाज एक्सपेक्टेड. जब आप पाउडर से ग्रेन्यूल बनाते हो तो ग्रेन्यूल गीले रहते हैं, उसको अपन ऊपर ट्रे ड्रायर में रखे थे ना बनाते समय, वही सारी प्रोसेस ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, इन सब ड्रायर के बारे में अपन पढ़ेंगे. बट अपना स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या बोलती है, ड्राइंग इज डिफाइंड एज द फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड बाय वेपराइजेशन विद द एड ऑफ हीट. किसी भी सॉलिड पदार्थ से रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, जैसे कोई भी अपना सॉलिड प्रोडक्ट है जिसमें, जैसे मक्खन है, मक्खन को जब निकालते हैं तो वो गीला रहता है, उसको ड्राई करेंगे तो वो सूख जाए, वैसे तो गर्म करने के लिए वो घी बन जाता है. बट कोई भी गीली सब्सटेंस की अगर अपन बात करें कि सॉलिड प्रोडक्ट में अगर वेपर प्रेजेंट है, गीलापन प्रेजेंट है, तो उस सॉलिड प्रोडक्ट से जब आप लिक्विड को भाप बन के उड़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, तो उस क्रिया को ड्राइंग बोलते हैं. जैसे कोई सॉलिड प्रोडक्ट जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है, वो एग्जाम्पल बताओ, कोई सॉलिड प्रोडक्ट में अगर लिक्विड रहे, किसी को गर्म करके, जैसे चाय पत्ती की मैं बात करूं, चाय पत्ती को अगर अपन पानी में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है. फिर उस चाय पत्ती को पानी से अलग करके अगर हम गर्म करेंगे उसको, तो जो गीली चाय पत्ती है वो सूख जाएगी अगर मैं गर्म करूंगा. उस गीली चाय पत्ती में चाय पत्ती सॉलिड हो गई, उसमें पानी है गीला, अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो वो पानी वहां से निकलेगा भाप बनके, वेपर बनके, और आपकी चाय पत्ती सूख जाएगी और वो वेपर उठ जाएगा. तो इस क्रिया को जिसे ड्राइंग कहते हैं, जब अपन हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड वेपर बनके उठ जाता है, तो उस प्रोसेस को अपन ड्राइंग बोलेंगे. द इक्विपमेंट यूज फॉर द ड्राइंग इज कॉल्ड ड्रायर. अलग अलग टाइप के ड्रायर और इक्विपमेंट आते हैं जो आपके लिक्विड सब्सटेंस को, जैसे पाउडर से ग्रेन्यूल बनाने की प्रोसेस है, ग्रेन्यूल्स में अपन पाउडर में अपन बाइंडर मिक्स करते हैं, अकेशिया ट्रैकेकन, उसको मिलाते हैं, म्यूसिलेज अकेशिया म्यूसिलेज, तो और सीव से पास करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं अपने ग्रेन्यूल्स के, लेकिन वो गीले रहते हैं. तो जब अपन उसको ट्रे ड्रायर में रखते हैं तो वो गीला अपन सोख लेता है, जैसे पेपर में भी रखेंगे तो पेपर भी कुछ नमी को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो जब लिक्विड उसका पेपर बनके उठ जाएगा और आपका ग्रेन्यूल्स हार्ड हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को अपन ड्राइंग बोलेंगे. थ्योरी ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, ड्राइंग इन्वॉल्व्स बोथ हीट एंड मास ट्रांसफर ऑपरेशन. जो ड्राइंग की क्रिया है वो इस सिद्धांत पे बेस्ड है कि उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है और वहां से मास का ट्रांसफर यानी लिक्विड का ट्रांसफर होता है. इन दोनों क्रिया को एक साथ अपन ड्राइंग बोलेंगे. टू ड्राई मटेरियल टू स्टेप्स आर नीडेड. किसी भी पदार्थ को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए दो स्टेप्स जरूरी होते हैं. पहला स्टेप, हीट मस्ट बी सप्लाइड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जब आप किसी ताप या ऊष्मा को प्रोवाइड कर देते हो, मस्ट बी सप्लाइड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का मतलब वो है जो आपके सॉलिड प्रोडक्ट को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, इस टाइप की हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं. अब लेटेंट हीट को देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, या तो आप इसको ट्रे ड्रायर के फॉर्म में दो, वैक्यूम ड्रायर के फॉर्म में दो, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के फॉर्म में दो. ये ड्रायर जो होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग तरीके से हीट को प्रोवाइड करेंगे, जो अल्टीमेटली लेटेंट हीट देता है जो आपके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके उसे बाहर कर देता है. सेकंड स्टेप क्या है, द लिब्रेटेड वेपर मस्ट बी रिमूव बाय मूविंग एन एयर स्ट्रीम. जो भाप, अब सपोज मैं ड्रायर की बात करूंगा, ये आपका ड्रायर का इंस्ट्रूमेंट है जो अपन के ऊपर भी रखा हुआ है, ये अंदर ऐसी प्लेट रहती है ट्रे ड्रायर की, जिसको खींच के अपन प्रोडक्ट करते हैं और गेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ये गेट है. तो जब गेट ओपन है यहाँ पर अपन ने पैट्री डिश में अपने पाउडर को रख, ग्रेन्यूल्स को रख दिया है सूखने के लिए और गेट क्लोज कर देते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
हीट मस्ट बी सप्लाइड टू प्रोवाइड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पर फैन लगा हुआ है और यहां से हीट निकलती है दोनों साइड से। ये जब हीट यहां पर जाती है तो इसमें जो ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं इसके लिक्विड को यहां पर उड़ा देगी। सुखाने की वजह से ये हीट आ रहा है तो लिक्विड अब ये वेपर बन के यहां पर आ जाएगा इसके पूरे कंपार्टमेंट में। यहां का लिक्विड निकल के यहां आ गया। अब इस वेपर को इस कंटेनर से बाहर भेजने के लिए द लिब्रेटेड वेपर मस्ट बी रिमूव। ये जो वेपर अब यहां पर है इसको रिमूव करने के लिए एयर फैन लगा हुआ होता है, ये इसको यहां से बाहर कर देता है वेपर को और आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। सो रिमूव बाय मूविंग एन एयर स्ट्रीम। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का एप्लीकेशन या इसके यूज क्या है, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, पाउडर से ग्रेन्यूल बनाने में ड्राई किया जाता है, उस क्रिया में ड्राइंग की प्रोसेस यूज होती है ताकि ग्रेन्यूल्स को पंच करके हम टेबलेट बना सके। यूज टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ मटेरियल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट भारी है जैसे अपन गमला है, गमले में रोज पानी डालते हैं, कल वो जो लेके जा रहे थे ना गमले वाले वो बोलते हैं भैया पानी डाल दे तो भारी हो गया। यानी सिंपल सा लॉजिक है, अगर अपन उसमें कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट डाल देंगे तो उसका भार आ जाएगा उसमें। तो इस टाइप के फंक्शन में यूज टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द मटेरियल, आपको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अपन मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो जो पालक अगर कोई भाजी खरीदते हैं अगर उसमें पानी डाल देते तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है उसका। तो अगर पानी की जरूरत नहीं है उसको ताजा रखने के लिए और किसी और पर्पस पे डालते हैं, इस तरीके से अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है कोई प्रोडक्ट को उसका भार कम करने के लिए भी ड्राइंग की प्रोसेस यूज की जाती है। अगर आप उसमें से लिक्विड को उड़ा देंगे तो उतना भार कम हो जाएगा और आसानी से आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड ड्रग और प्लांट फ्रॉम द मोल्ड ग्रोथ, समझना इसको। प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, क्रूड का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, क्रूड का मतलब ऐसा है जिसको आपने प्रोसेस नहीं किया है, जस्ट ये पेड़ लगा हुआ है आपने इसकी डंठल तोड़ी, जैसे दातुन बोलते हैं, दातुन करने के लिए आपने जस्ट नीम के पेड़ पे गए या जो भी गए उसकी डंठल तोड़े पत्ते निकाले और रख लिया, इसको बोलेंगे क्रूड ड्रग। और ऑर्गेनाइज ड्रग उसको बोलेंगे जब आप बहुत प्रॉपर तरीके से डंठाल तोड़ते हैं, उसको मिक्सर में पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, डब्बे में पैक करते हैं, फिर बेचते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होगी। क्रूड का मतलब एज इट इज, आपने मार्केट और से खरीदा और उसको रख लिया, प्रोसेस नहीं किया उसको, तो उसको अपन क्रूड या रॉ ड्रग बोलेंगे, ठीक है। ऐसी ड्रग को प्रिजर्व करने के लिए अगर आपने सपोज नीम से दातुन तोड़ा, डंठाल तोड़ी और उसको कई दिन के लिए अपने घर में रख दिया, या तो वो सूख जाएगा, सूखने के अलावा अगर उसमें कहीं पानी वानी पड़ रहा, वैसे तो दतून में कीड़े नहीं लग सकते वो, क्योंकि वो खुद एक एंटीबायोटिक है, दतून खुद कीड़ों को दूर रखता है। तो उसमें अगर इस टाइप की कोई दूसरी प्रोडक्ट, सपोज आपने कोई फ्रूट तोड़ लिया, आम तोड़ा या फिर जाम तोड़ा पेड़ से और उसको एज इट इज आप रख दोगे तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आसानी से बैक्टीरिया और दूसरे प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के ड्रग को अगर आप ड्राई कर दोगे, सुखा दोगे, उसके अंदर का पानी आप निकाल दोगे, जैसे कई लोग जो है आम को सुखाते भी हैं, सुखा कर कुछ कुछ बनाते हैं, अगर आपने ककड़ी वगैरह जो भी प्रोडक्ट है उसको काटा और धूप में सुखा दिया, सनलाइट में ड्राई होने के बाद फिर आप उसको डब्बे में रखोगे तो कभी खराब नहीं होगा। ये वही क्रिया है ड्राइंग की जिसको हम सनलाइट के बजाय एक कंपार्टमेंट या एक कंटेनर में करते हैं, ट्रे ड्रायर में करते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्रूड ड्रग को एंड प्लांट फ्रॉम द मोल्ड ग्रोथ, मोल्ड का मतलब वो मोल्ड आप बोल रहे, ठीक है सांचा है, बट यहाँ पर मोल्ड ग्रोथ फंगी से, फंजाई से, बैक्टीरिया, मोस्टली फंजाई का ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, मोल्ड ग्रोथ यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए ड्राइंग की क्रिया यूज की जाती है, ये उपयोगी तब है इसका। इट हेल्प्स इन द साइज रिडक्शन प्रोसेस, साइज रिडक्शन यानी छोटा, कैसे साइज रिडक्शन में ड्राइंग हेल्पफुल होगा, हाँ वो भी कह सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी चीज जिसमें पानी है, पानी अगर उड़ गया तो वैसे ही कम हो जाएगा। ये और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ मटेरियल, या तो वेट कम करना है उसका साइज छोटा कर देना, पानी उड़ गया तो छोटा हो जाएगा। तो ये सारे इससे उपयोग है, एप्लीकेशन है ड्राइंग के। कौन कौन से इक्विपमेंट अपन पढ़ेंगे इसमें, ट्रे ड्रायर
जिसमें ट्रे लगे होता है, ये जो अपने ऊपर इक्विपमेंट रखा हुआ है, अलग अलग ट्रे है, अलग अलग प्रोडक्ट अपन ट्रे में रख सकते हैं। टनल ड्रायर, टनल का मतलब एक ऐसा टनल होता है जिसमें राउंड रिवॉल्वेशन के थ्रू, टनल के थ्रू वहां पर ड्राइंग की प्रोसेस होती है। रोटेटरी ड्रायर, इसमें ड्रम रोटेट होते रहते हैं, हवा आती जाती है, गर्म हवा हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करती है। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, नीचे से गर्म हवा आती है, हमारे प्रोडक्ट के गीलेपन को, वेपर को रिमूव करती है, तो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर है। वैक्यूम ड्रायर में भी वैक्यूम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। एंड द फ्रीज ड्रायर, उसको कंप्लीटली फ्रीज करके उसके लिक्विड को रिमूव किया जाता है, दैट इज द फ्रीज ड्रायर। एक एक करके हम सारे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रे ड्रायर, ये नाम से ही क्लियर है, जिसमें ट्रे रखा होता है और ड्राई किया जाता है, उसको अपन ट्रे ड्रायर बोलेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रायर इन दिस अरेंजमेंट ऑफ हीटर एट द बॉटम इन कैबिनेट एग्जांपल लेबोरेटरी ओवन। ये बहुत ही सिंपल तरीके का ड्रायर है, जो कि नीचे एक हीटर लगा होता है और अलग अलग कैबिनेट में आपका ट्रे लगा होता है, जैसे कि आपके लेबोरेटरी में ओवन या लेबोरेटरी पर्पस के लिए जो भी ड्रायर यूज होता है वो ट्रे ड्रायर है कॉमनली। इन दैट द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रे ड्रायर इज डायरेक्टेड सर्कुलेशन फॉर्म इन विच एयर इज हीटेड एंड इज डायरेक्टेड अक्रॉस द मटेरियल इन द कंट्रोल फ्लो। ये वाला डायग्राम ट्रे ड्रायर का है, यहाँ पर जो हवा आ रही है उसको हीटर के थ्रू गर्म किया जाता है, गर्म हवा आपके पूरे चैम्बर में फैलेगी क्योंकि यहाँ फैन लगा हुआ है, ये आपके पेट्री डिश से वेपर बनाएगी, लिक्विड को वेपर बनाएगी और यहां से बाहर कर देगी, ये ही होता है आपका ट्रे ड्रायर। इन मॉडर्न ट्रे ड्रायर अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड एयर फ्लो इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ वेल कैबिनेट विद स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैन एंड हीटिंग कॉइल। ट्रे ड्रायर का एक कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि ट्रे ड्रायर में फैन लगा होता है और हीटिंग कॉइल लगी होती है, फैन से हवा प्रोड्यूस की जाती है और हीटिंग कॉइल से हवा को गर्म किया जाता है ताकि गर्म हवा आपके लिक्विड को बाहर कर सके एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के थ्रू। In that heater, a fix is fixed in such a way that air is reheated before passing over its shell. यही हवा को बार-बार कॉइल से गर्म किया जाता है ताकि नॉर्मल हवा गर्म हो जाए और गर्म हवा आपके लिक्विड को बाहर कर दे। When the air passes over each shell, a certain amount of heat is given up to the provide latent heat of vaporization. जो कि अपन ने थ्योरी ऑफ ड्राइंग में पढ़ा था, लेटेंट हीट, यही गर्म हवा आपके इस ग्रेन्यूल्स को लेटेंट हीट प्रोवाइड करती है ताकि यहां का लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके और इसे बाहर कर सके। ये डायग्राम है ट्रे ड्रायर का, इसका थोड़ा सी अलग है, हमारे इक्विपमेंट अलग है, बट कॉन्सेप्ट इसका सेम है। यहाँ पर अलग अलग ट्रे रखे हुए हैं जिसमें गर्म हवा से थ्रू उसमें से रखे प्रोडक्ट को अपन ड्राई करते हैं। यूज है इसका क्रूड ड्रग को गीले से सूखे में कन्वर्ट करना, पाउडर को ड्राई करना, ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना, ये सारे इसके प्रोडक्ट के यूज हैं। सेकंड है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर कैसा होता है? इट इज द बेस्ट ड्रायर बिकॉज इन दैट रैपिड ड्राइंग अकर्स। जैसे अपन ट्रे ड्रायर में टेम्परेचर सेट करते हैं और टाइम सेट करते हैं, मेरे को एक घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पे इस प्रोडक्ट को ड्राई करना है, तो एक घंटे तक अपन वेट करेंगे जब तक उसकी लिक्विड बाहर हो, उससे अगर फास्ट अपने को ड्राइंग प्रोसेस करनी है तो वो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं। किस टाइप के ड्रायर है ये, इसकी थ्योरी क्या बोलती है? इफ अ गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स at a velocity greater than the velocity of the particle, the particles are partially suspended in the gas stream. ये ऐसा एक चैम्बर होता है इसमें फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर में, ये यहां पर आपके ग्रैन्यूल्स रखे हुए हैं, नीचे से गर्म हवा यहां पर फ्लूडाइज्ड बेड, एक ऐसा गर्म हवा का चैम्बर होता है, हवा यहां से निकलती है और आपके ग्रैन्यूल्स को ऊपर उड़ाती है। जैसे आपने गुब्बारे या फुग्गे वाला कोई भी खिलौना या चीज देखा होगा, जैसे अपन हवा फूंकते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ जाने लगती है, उसी सिस्टम से यह बना हुआ है। जब यहां से गर्म हवा भेजी जाती है तो ये आपका ग्रैन्यूल्स जो यहां पर है अब ये ऊपर उठने लगता है,
ऊपर जैसे ही उठता है ऊपर से और यहाँ नीचे से गर्म हवा आती है जो इसको पूरे इस साइड पे गोल गोल घुमाने लगती है गर्म हवा की वजह से। डेंसिटी के बारे में क्या बोल रहा है, सॉलिड पार्टिकल एट अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी वेलोसिटी ग्रेटर देन द पार्टिकल्स मींस हवा की वेलोसिटी इस पार्टिकल से ज्यादा है जिसको हवा में ऊपर उड़ाती है आर पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। ये गैस की जो स्ट्रीम है यानी यहां से जो हवा निकल रही है उस हवा में पूरी तरीके से ऊपर की तरफ ये गोल गोल घूमते रहता है गर्म हवा से और यहीं पर ड्राइंग की क्रिया पूरी होती है। ट्रे ड्रायर में जहां पर अलग अलग ट्रे में प्रोडक्ट को रखते हैं यहां पर पूरे ग्रेन्यूल्स ही अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे आपने पेट्री डिश में जो ग्रेन्यूल्स रखा था वो उसी पेट्री डिश में रहेगा। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर में पूरे कंटेनर में घूमता रहेगा हवा में उड़ता रहेगा और जो उसका लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। द रिजल्टेंट मिक्सचर बिहेव्स लाइक अ लिक्विड सो सॉलिड इज सेड टू बी फ्लूडाइज्ड। जो मिक्सचर है वो आपका लिक्विड के जैसा बिहेव करता है इसलिए जो सॉलिड होता है उसको फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर की कंडीशन में अपन बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो ये आपका प्रोडक्ट है फ्लूडाइज्ड सॉलिड है जिसको अपने को ड्राई करना है। ये फिल्टर बैग लगे हुए हैं यहाँ पर डिटेचेबल बॉवल इसको अपन बॉल अलग कर सकते हैं जब ये सूख जाएगा। नीचे से गर्म हवा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ये अलग अलग पोर्स बने होते हैं ताकि हवा यहाँ पर एंटर कर सके। एयर का हीटर लगे होते हैं आपकी हवा को गर्म करने के लिए। रीसर्कुलेशन कंट्रोल यहाँ पर इन हवा को वापिस रीसर्कुलेट किया जाता है। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट डालोगे ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। आउटलेट जो है इस प्रोडक्ट का या तो इसको आप डिटेच कर सकते हो और ये जो हवा है यहाँ से बाहर की जा सकती है। ऊपर यहाँ पर फैन लगा हुआ है जो आपकी हवा को कंटिन्यू रिवॉल्व करेगी। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डालोगे इस हवा के फ्लो में ये पूरे सिस्टम में यहाँ पर फ्लो होगा। ये जो ग्रैन्यूल्स है पूरे यहाँ पर आएंगे पूरे गर्म हवा जो आ रही है इनको ड्राई करेगी। ड्राई करने के बाद आपका प्रोडक्ट यहीं पर कलेक्ट हो जाएगा जिसको आप यहां से अलग कर लोगे और हवा को यहां से बाहर कर दिया जाएगा। ये आपका इक्विपमेंट है। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में बता रहा है ये दो तरीके से होता है एक तो वर्टिकल जो कि सीधा अपन ने देखा और एक हॉरिजॉन्टल अगर अपन इसको ऐसे लंबा कर देंगे। दो टाइप का फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर होता है। इन दैट फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ड्रायर और इसमें जो होते हैं फैन सम ऑफ द कंडीशन में अपर पार्ट में लगे होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल की कंडीशन है एयर इज हीटेड बाय हीटर्स एंड पास्ड थ्रू द वेट मटेरियल कंटेन्ड इन द ड्राइंग चैम्बर। एयर इज हीटेड बाय हीटर जो हवा है उसको हीटर के थ्रू गर्म किया जाता है एंड पास्ड थ्रू द वेट मटेरियल और जो आपने गीला सामान उस ड्रायर में डाला है वो हवा उस गीले सामान के से होकर जाती है इन अ ड्राइंग चैम्बर जो कि चैम्बर में रखा होता है। जिस लिक्विड प्रोडक्ट को आपको सुखाना है उसको ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है उस चैम्बर में गर्म हवा जाती है जो कि लिक्विड को बाहर निकाल लेती है। उसी का ही कंटिन्यू है। द चैम्बर इज फिटेड विद अ वायर मेश सपोर्ट एट द बॉटम। जो डिटेचेबल चैम्बर है ये चैम्बर जहां पर सॉलिड रखा हुआ है एक वायर के थ्रू यहां पर कनेक्ट करते हैं जिसको आसानी से आप अलग कर सकते हो और इसमें से सॉलिड को बाहर निकाल सकते हो। The air flow rate is adjusted by recirculation control. ये चीजों को आप जितना तरीके से कंट्रोल कर पाओगे उतना ही आपका इक्विपमेंट आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप आसानी से अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हो आसानी से हवा को कंट्रोल कर सकते हो तो आप उतना ही सुविधाजनक होगा ये इक्विपमेंट आपके लिए। फैब्रिक फिल्टर बैग आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। आपके जो ग्रैन्यूल्स के साइज अगर छोटे बड़े हैं इसलिए इसमें फिल्टर लगा होता है यहाँ पर जो एकदम बारीक प्रोडक्ट को रोक कर रख लेता है और बड़े प्रोडक्ट को यहाँ पर भेज देता है ताकि फिल्ट्रेशन का भी काम करता है और ड्राइंग का भी काम करता है। जिस टाइप के ग्रैन्यूल्स की आपको जरूरत होती है वो ग्रैन्यूल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं बाकी यहाँ पर रोक लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर बैच टाइप ड्रायर एंड द ड्राइंग चैम्बर इज रिमूव फ्रॉम द यूनिट फॉर चार्जिंग। बार बार आप यहाँ से प्रोडक्ट को अलग कर लीजिए फिर यहाँ पर गीले प्रोडक्ट को रख दीजिए आप बार बार यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू ये इक्विपमेंट आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है।
ये इंडस्ट्री में यूज होने वाले फ्लूडाइज बेड ड्रायर का डायग्राम है, जो कि बहुत बल्क में जब प्रोडक्ट को ड्राई करना रहता है तो ऐसा इसका यूनिट रहता है, मशीन से ऑपरेट होता है ये सारा इलेक्ट्रिसिटी से। अनदर टाइप ऑफ ड्रायर इज वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम क्या होती है? हवा, एक टाइप की हवा होती है। जैसे वैक्यूम ड्रायर अपन घर में भी यूज करते हैं ना सोफे वगैरह को साफ करने के लिए, वही वैक्यूम ड्रायर है, बस इसको बनाने का तरीका अलग है, टेक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। द इक्विपमेंट इज गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्शन ड्रायर। द वैक्यूम ओवन कंसिस्ट्स ऑफ अ जैकेटेड वेसल टू विदस्टैंड वैक्यूम विद इन द ओवन। एक ऐसा ओवन जैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वैक्यूम प्रोवाइड की जाती है, जो कि वैक्यूम को लीक होने नहीं देता और अंदर ही अंदर आपके लिक्विड प्रोडक्ट को ड्राई कर देता है। ऐसा वैक्यूम जैसा ये प्रोडक्ट होता है जिसमें ऐसा ढक्कन होता है। इस वैक्यूम में ऐसे जैकेट लगे होते हैं जो आपके वैक्यूम को बाहर नहीं जाने देंगे, अंदर के साइड ही आपका वैक्यूम प्रोवाइड होता है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रखा होता है जिसको ड्राई करना है। एक कॉम्प्रेशन और वैक्यूम के थ्रू इनके लिक्विड को रिमूव कर दिया जाता है और आपके प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है, जस्ट लाइक अ ओवन। दीज आर सपोर्ट फॉर द शेल्स गिविंग अ लार्जर एरिया फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़े थे आपको 12th में, कंडक्शन कन्वेंशन पढ़े थे फिजिक्स में। कंडक्शन का मतलब वो हीट प्रोसेस है जिसमें एक ग्लोब्यूल दूसरे ग्लोब्यूल को हीट देते जाते हैं और वो गर्म होते जाते हैं। मींस अगर मैं नीचे के साइड में कोई बर्तन रखा हुआ है जिसको मैं गर्म कर रहा हूं, ये गर्म बर्तन अपने भाप को ऊपर वाले बर्तन में भेज देता है जिससे ये भी गर्म हो जाता है। कंडक्शन का मतलब है एक दूसरे को पास करना। सपोज अगर मैं कोई मैसेज आपको कम्युनिकेट करता हूँ, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, उसको कंडक्शन बोलते हैं। एक के बाद एक अपनी हीट को प्रोवाइड करे। अगर कोई एक प्रोडक्ट गर्म हो जा रहा है वो अपनी ऊष्मा को दूसरे को दे देगा और वो गर्म हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। वैक्यूम ड्रायर में कंडक्शन हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्ट पहले गर्म होते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट को गर्म कर देते हैं और जिससे कि पूरे प्रोडक्ट गर्म होकर अपनी लिक्विड को बाहर कर देते हैं और वो सूख जाते हैं। The oven can be closed by the door. ऐसा डोर लगा होता है जिसमें क्लोज कर दिया जाता है अंदर का वैक्यूम। ये ग्रैनुल सपोज ऐसे गोल राउंड में रखे हुए हैं, अगर एक हीट इसको पड़ती है ये गर्म होने के बाद अपनी हीट इनको भी दे देता है और ऊपर से भी हीट आ रही है तो पूरी तरीके से ये ड्राई हो जाते हैं। The oven is connected to a condenser and liquid receiver, a vacuum pump. कंडेंसर और लिक्विड रिसीवर रखे होते हैं जो ऊष्मा या भाप को अलग कर देते हैं और आपके ड्राई प्रोडक्ट को अंदर रहने देते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर कैन बी एज लो एज 0.03 टू 0.1 की रेंज, एक ही होगी, 0.3 से 5 या 3 नहीं होगी, 0.03 पास्कल। जो प्रेशर होता है उसको पास्कल में डिनोट किया जाता है, वहां पर रेंज भी लिखी हुई है, बट 0.03 समथिंग आएगा। बहुत ही कम प्रेशर में अंदर आपके प्रोडक्ट को वैक्यूम ड्रायर के थ्रू से ड्राई किया जाता है। ये देखो इस इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल पार्ट है, अंदर का पार्ट क्या होता है, स्टीम और वाटर जैकेट। ये इस टाइप के पूरे जैकेट लगे हुए हैं और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रहता है। ये पूरे जैकेट के थ्रू अंदर से वैक्यूम प्रोवाइड की जाती है, वहां पर कंडेंसर लगा हुआ है कनेक्टिंग टू द वैक्यूम पंप एंड अ कंडेंसर एंड रिसीवर। ये वैक्यूम पंप से ये कनेक्टेड है जो कि आपका वैक्यूम प्रोवाइड करता है और लिक्विड वाली जारी चीज जो है लिक्विड भाप इनको अलग कर दिया जाता है और वैक्यूम के थ्रू ये यहाँ पर चीजें अंदर आती है जो आपके प्रोडक्ट को ड्राई कर रही है। Another dryer is the freeze dryer. ये एक के बाद एक dryer आ रहे हैं, common छोटे-छोटे सी हैं, simple से बस diagram देखना है और उसका concept समझना है। Freeze dryer को lyophilization भी बोलते हैं। ये freeze dryer exam point of view से भी important है, fluidized bed dryer भी important है। क्या करते हैं freeze dryer से, सबका concept अलग-अलग है। It is also called as sublimation drying process. Sublimation drying process में क्या होता है? Water is sublimed and removed from the product after it is frozen at the reduced pressure. उसके लिक्विड को पहले सॉलिड या फ्रोजन करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस सॉलिड को अलग करने की क्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी आपके प्रोडक्ट में अगर कोई लिक्विड है
लिक्विड को पहले सॉलिड यानी बर्फ बना लेना। सपोज अपन फ्रिज में कोई लिक्विड रखते हैं, वो बर्फ बन जाता है और बर्फ को हाथ से पकड़ के अलग कर लेते हैं, उसको सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। वाटर इज सबलाइंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर इट इज फ्रोजन। आपके प्रोडक्ट में जो लिक्विड है उसको फ्रीजर में रख के ड्राई कर लेंगे, इसलिए उसको फ्रीज ड्रायर कहा गया। जो भी लिक्विड है फ्रीजर में रख दी जाएगी वो सॉलिड बन जाएगी, फिर उसको हाथ से पकड़ के बाहर कर लिया जाएगा, दैट इज फ्रीज ड्रायर। थ्योरी क्या बोलती है, मटेरियल इज फ्रोजन इन अ कंटेनर कनेक्टेड टू अ हाई वैक्यूम सिस्टम। एक बहुत बड़े वैक्यूम से लिक्विड के थ्रू भाप आती है जो उस आपके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेती है। फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, और उस बर्फ को सॉलिड को बाहर कर लिया जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस्ड बिलो द वेपर प्रेशर एट विच इट इज ड्राइड बिलो द ट्रिपल पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वेपर पॉइंट में, जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। उतने तक अगर वेपर प्रोवाइड की जाएगी, वैक्यूम प्रोवाइड की जाएगी, तो आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थ्योरी का पार्ट ही कंटिन्यू है। अंडर दिस कंडीशन हीट ट्रांसफर इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन टू द प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ रेडिएंट हीट। ये जो वर्ड बार-बार यूज हो रहा है इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर दिस कंडीशन हीट ट्रांसफर एज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में सबसे पहले बताया था क्या होती है लेटेंट हीट, जो आपके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है और लिक्विड को भाप में कन्वर्ट करती है, ऐसी हीट को अपन लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट ट्रांसफर इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है, ये सारे ड्रायर ऊपर से जा रहे हैं अभी तक जो चल रहे हैं, समझ आ रहे क्या चल रहा है, ऊपर से जा रहा है सब चीजें। बताओ अदिति सर, सब्लिमेशन फ्रीजर ड्रायर को ही फ्रीज ड्रायर को ही सब्लिमेशन बोलते हैं, ये तो ठीक है। इसके पहले के जो ड्रायर पड़े वो समझ आए, ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, सारी चीजें क्लियर है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही बता रहा है, हीट ट्रांसफर इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन टू द प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ रेडिएंट हीट। Means, आपकी जो लेटेंट हीट है जो लिक्विड को भाप में कन्वर्ट करती है उसको ही सब्लिमेशन में यहाँ यूज किया जा रहा है, उसी हीट को जो लिक्विड को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करती है और उस सॉलिड को फिर बाहर कर दिया जाता है। आइस सबलाइम्स टू वेपर, सब्लिमेशन का मतलब ये है आपके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा और सॉलिड को वेपर में, ये वही चीज लिखी, या तो सॉलिड को पकड़ के बाहर कर दे और इसको भाप बना दो। आइस सबलाइम्स टू वेपर, आपका लिक्विड बन गया आइस यानी बर्फ बन गया और बर्फ को फिर वेपर बना दो और उड़ा दो वहां से। वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की एक प्रोसेस है सन्थनन जिसको बोलते हैं, जो कि आपके भाप को वहां से बाहर कर देता है। तो ये आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस है जिसमें फ्रीज ड्रायर के थ्रू आपके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे फ्रीज ड्रायर बनाए, जैसे अपन ने अपने घर में रखे हुए फ्रीज का फ्रीजर जो देखा है वही कैबिनेट लगा होगा उसमें जो आपके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। चैम्बर ऑफ वैक्यूम ड्राइंग का कैसा होता है, हैविंग अ शेल्फ फॉर कीपिंग द मटेरियल। जैसे हमारे फ्रीज में फ्रीजर रखा होता है जिसमें हम सामान रखते हैं, वैसे इसमें शेल्फ बने होते हैं वैक्यूम ड्राइंग में। वैक्यूम सोर्स, अब किस तरीके से वहां पर दी जा रही है वैक्यूम, वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू द चैम्बर। हमारा जो घर में फ्रीज होता है, सपोज ये हमारा फ्रीज है, फ्रीज का ऊपर वाला पार्ट ये फ्रीजर है जहां पर हम अपना प्रोडक्ट रखे होते हैं। फ्रीजर के पीछे वाले पार्ट में गैस आती है जिसको बोलते हैं ना, जब फ्रीज खराब हो जा रहा है तो मैकेनिक को बुलाओ वो फ्रीजर भर देने, हवा गैस भर देगा उसमें, वो गैस ही वैक्यूम है जो इनको लिक्विड से सॉलिड बनाती है। उसी गैस को यहाँ पर वैक्यूम सोर्स कहा जा रहा है जो आपके लिक्विड को सॉलिड बनाएगी। अ हीट सोर्स इसमें एक होता है, अ हीट इज प्रोवाइडेड बाय द कंडक्शन और रेडिएशन और बोथ। जब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, अब उस सॉलिड को वेपर बनाना है, तो ये हीट सोर्स सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना। वैक्यूम ड्राइंग जो चैम्बर है जहां पर हम अपना लिक्विड रखेंगे, वैक्यूम सोर्स जो हमारे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, हीट सोर्स जो सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा।
वेपर रिमूवल सिस्टम, अब जो वेपर बना है यहां पर हीट के थ्रू जो वेपर बन के उसको निकालने के लिए एक सिस्टम होता है, द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ लार्ज कूल्ड सरफेस बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विद द एसीटोन और इथेनॉल। कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर को संघनन ही बोलते हैं शायद हिंदी में, संघनन प्रोसेस के थ्रू वेपर को बाहर करना या कुछ और बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो। कंडेंसर एक टाइप का ऐसा मटेरियल होता है सिलेंड्रिकल जिसमें ये सारे मिक्सचर होते हैं, कूलेंट जिसको बोलते हैं, जो भाप को बाहर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसीटोन को मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर इस पे रखा जाता है, जब इसमें वेपर आती है तो उसको संघनन प्रोसेस के थ्रू खींच के वो बाहर कर देता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपके फ्रीज ड्राई की। सबसे पहले आपने फ्रीजर में लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, यहाँ पर कन्वर्ट कर, यहाँ पर रखते हैं लिक्विड को, यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर कंडेंसर के थ्रू आपके सिस्टम से बाहर चले जाता है। That is freeze dry. Working इसकी लिखी हुई है कैसे आपका freeze dry work करता है। Pre-treatment यानी आपको liquid डालने से पहले क्या करना पड़ेगा? First solution is concentrated under the normal vacuum dryer before introducing into the chamber. अपन ने एक vacuum dryer का भी equipment पढ़ा है, तो जो लिक्विड को आपको फ्रीज ड्रायर में डालना है पहले, सबसे पहले वैक्यूम ड्रायर में रख के उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। यानी जेली वैली देखे हो, जेली वैली सॉलिड है कि लिक्विड है? सेमी सॉलिड जैसा है। तो अगर आपका जेली वैली का सॉल्यूशन लिक्विड है तो पहले उसको जेली वैली में कन्वर्ट, यानी जेल में कन्वर्ट कर लो, उसी को यहां पर प्री ट्रीटमेंट कहा जा रहा है। अगर आप पूरा का पूरा पानी फ्रीज ड्रायर में रख दोगे तो परेशानी होगी, तो फ्रीज ड्रायर में रखने से पहले जेली वैली बना लो। इसको कहने का मतलब है प्री ट्रीटमेंट, यानी वैक्यूम ड्रायर में रख के पहले लिक्विड को थोड़ा सी सेमी सॉलिड कर लो ताकि आसानी से उसमें रख सको। इसको प्री ट्रीटमेंट की स्टेप बोलते हैं फ्रीज ड्रायर में रखने से पहले। अब प्री फ्रीजिंग क्या बोल रहा है? एम्प्यूल्स वायर्स एंड बॉटल्स हैविंग एक्वस सॉल्यूशन इज फेड एंड फ्रोजन इन कोल्ड सेल्स एट अ टेंपरेचर बिलो -50 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज ड्राइंग वो स्टेप है जिसमें आप एम्प्यूल्स और वायर्स, जो इंजेक्शंस के एम्प्यूल्स होते हैं और वायल्स होते हैं, उन बॉटल्स के सॉल्यूशन को कोल्ड में रखने के लिए ही फ्रीज ड्रायर का उपयोग किया जाता है, ताकि उसका लिक्विड कभी भी डिग्रेड ना हो। मींस अगर उसके लिक्विड में ज्यादा हीट चली गई, माइक्रोबियल कंटेंट चले गया, तो वो डिग्रेड हो सकता है। अगर आप उसको फ्रीज ड्रायर के अंदर रखोगे, फ्रीजर के अंदर जो भी वैक्सीन होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट को, उसको आइस क्यूब में बांध के दिया जाता है। कभी वैक्सीन खरीदे हो आप लोग? नहीं खरीदे होगे। कभी देखे हो किसी फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर में आइस पैक के अंदर रख के किसी को वैक्सीन देते हैं? इसीलिए दिया जाता है कि अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ गया या थोड़ा भी बाहर का एनवायरमेंट टेम्परेचर है तो आपकी वैक्सीन डिग्रेड हो जाएगी। उसको कंटिन्यूअसली फ्रोजन स्टेट में ही रखा जाता है ठंडे प्रोडक्ट में, ताकि उसमें कोई और चीज, यहाँ पर ठंडे से आप ये मत समझना कि गीला हो रहा है प्रोडक्ट, ठंडे का मतलब आपके अंदर के प्रोडक्ट को उसी फॉर्म में बना के रख रहा है, सॉलिड फॉर्म में, ताकि वो किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट का उसमें इफेक्ट ना पड़े। -50 -20 अलग अलग टेम्परेचर रहता है जो आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से बचाता है, इसको प्री फ्रीजिंग बोलते हैं। डाउट है कुछ? वर्किंग में ही प्री फ्रीजिंग, प्री ड्राइंग का प्री फ्रीजिंग के पहले क्या था? प्री ट्रीटमेंट, प्री फ्रीजिंग, अब प्राइमरी ड्राइंग, द मटेरियल इज स्प्रेड दैट इज टेंपरेचर एंड प्रेशर आर कैप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिस प्रोडक्ट को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है उसके टेंपरेचर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के पास लेकर आते हैं ताकि वो आसानी से सॉलिड में कन्वर्ट हो सके। हीट इज सप्लाइड, उसमें हीट प्रोवाइड की जाएगी। Ice sublimes into vapor, जो आपका सॉलिड यहाँ पर बन गया है, जब आप किसी लिक्विड को उसके ट्रिपल पॉइंट तक लेकर जाओगे तो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी घर का जो फ्रीजर होता है जो आपके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी आपके तरल का ऐसा बिंदु जहां पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। नाम है ट्रिपल पॉइंट, केमिस्ट्री का टर्म है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, जब आपका सॉलिड यहां पर कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आपके सॉलिड को हीट दी जाएगी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस।
वेपर आर रिमूव फ्रॉम द चैम्बर, अब उस वेपर को आपके चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाएगा। 98 to 99% मॉइस्चर रिमूव्स ड्यूरिंग द प्राइमरी ड्राइंग, पहले प्राइमरी ड्राइंग में ही हम 99 से 98% तक मॉइस्चर को बाहर कर लिया जाता है। उसी को ही पहले प्राइमरी ड्राइंग हो गई आपकी, अब सेकेंडरी ड्राइंग में क्या हो रहा है, रिमेनिंग मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय वैक्यूम ड्राइंग 50 to 60 degrees Celsius। सेकेंडरी ड्राइंग टेक्स प्लेस 10 to 20 hours। फर्स्ट स्टेप में आपने 99% गीलेपन को बाहर कर लिया, बचा हुआ 1-2% बाहर करने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट होता है जिसको आप फ्रीज ड्रायर से ड्राई करते हो। फ्रीज ड्रायर में पेरेंटल प्रोडक्ट्स को ड्राई किया जाता है, और पेरेंटल प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा आपके लिए सावधानी बरतने वाले डोजेज फॉर्म है। अगर उसमें कोई भी तरीके का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल प्रोडक्ट रहेगा तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी से उसको ड्राई किया जाता है। फ्रीज ड्राई प्रोसेस के थ्रू उसको ड्राई किया जाता है, तो बचे हुए 1-2% प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए वैक्यूम ड्राइंग के थ्रू वैक्यूम प्रोवाइड की जाती है, जो कि इतने घंटे बाद उसमें से बचे हुए मॉइस्चर को भी बाहर कर देती है। पैकिंग, फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राई पैक इन द एसेप्टिक कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर द ड्राइंग। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाते हैं, जैसे पेरेंट्रल्स हो गया, वैक्सीन, सेरा, डायग्नोस्टिक एजेंट जिसको डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। इस टाइप के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए फ्रीज ड्राइंग का उपयोग किया जाता है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। थर्मोल यूजेस क्या है इसके, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोडक्ट जो ज्यादा टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाते हैं उनको थर्मोलेबाइल कहा जाता है। माइक्रोबियल, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक अलग चीज है। थर्मोलेबाइल का मतलब जो टेम्परेचर के थ्रू लेबाइल है, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो डिग्रेड हो जाएगी। इस तरीके के प्रोडक्ट को बचाने के लिए फ्रीज ड्रायर यूज किया जाता है। माइक्रोबियल कल्चर एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स का जो कल्चर होता है जहां पर माइक्रोब्स उगाए जाते हैं उनके लिए भी फ्रीज ड्राइंग यूज की जाती है, एंड द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है उन प्रोडक्ट को भी फ्रीज ड्राइंग के थ्रू ड्राई किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ, ऐसे अपने फ्रीजर के अंदर प्रोडक्ट रखे होते हैं जहां पर ये डोर रखा होता है। हीटिंग सिस्टम होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करके फिर यहाँ हीटिंग के थ्रू वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। ये इसका ड्राइंग चैम्बर है जहां पर आइस कंडेंसर नीचे के अंदर रेफ्रिजरेटिंग ग्रुप्स है, और उधर वैक्यूम पंप, यहाँ से वैक्यूम आ रही है, यहाँ पर से सॉलिड आइस को वेपर में कन्वर्ट करके इससे बाहर किया जा रहा है।